शहर के गौशाला महासंघ की ओर से महाराष्ट्र के सभी गौशाला के रक्षण एवं संवर्धन के लिए महाराष्ट्र सरकार से महाराष्ट्र में गौसेवा आयोग निर्माण की मांग की है। गुरुवार को आयोजित पत्र परिषद में गौशाला महासंघ के संयोजक डॉ. सुनील सूर्यवंशी ने बताया कि देश के गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे 12 राज्यों में गौशाला रक्षण एवं संवर्धन के लिए गौसेवा आयोग का निर्माण किया गया है। इसी धरती पर महाराष्ट्र की सरकार ने भी महाराष्ट्र के गौशाला रक्षण एवं संवर्धन के लिए गौसेवा आयोग का निर्माण करना चाहिए। गुरुवार को आयोजित पत्र परिषद में गौशाला महासंघ के संयोजक डॉ. सुनील सूर्यवंशी ने बताया कि देश के गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे 12 राज्यों में गौशाला रक्षण एवं संवर्धन के लिए गौसेवा आयोग का निर्माण किया गया है। इसी धरती पर महाराष्ट्र की सरकार ने भी महाराष्ट्र के गौशाला रक्षण एवं संवर्धन के लिए गौसेवा आयोग का निर्माण करना चाहिए। गौसेवा आयोग निर्माण व्हावा याकरिता गौशाला महासंघ मागणी करत आहे। भारतातील 12 राज्यांमध्ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या राज्यांमध्ये तेथील गोशाळा सक्षमी करण्यासाठी त्या राज्यांनी गोसेवा आयोग निर्माण केला आहे। त्याच आधारावर महाराष्ट्राने पण गोसेवा आयोग निर्माण करावा याकरिता गोशाळा महासंघ मागणी करत आहे। महाराष्ट्रातील ज्या जातीवंत ब्रीड आहेत ज्यामध्ये गौडाऊ, लाल कंधारी, डांगी, देवणी यासारखे जे ब्रीड आहे महाराष्ट्रातील त्याचं संवर्धन व रक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये गोसेवा आयोग निर्माण होणं अत्यंत आवश्यक आहे। त्याचबरोबर भारतातील देशी गायींच्या पंचगव्याचं महत्त्व विज्ञानाच्या आधारावर सिद्ध झाले आहे। त्या सड्या गायींचं रक्षण व संवर्धन होण्याकरिता महाराष्ट्रामध्ये गोसेवा आयोग निर्माण होणं आवश्यक आहे। महाराष्ट्रातील वृद्ध, भाकड, अपंग यासारख्या गोवंशाचं किंवा अन्य प्राण्यांचं रक्षण आणि संवर्धन करणाऱ्या ज्या काही गोशाळा आहेत त्या गोशाळांच्या सक्षमीकरणाकरता महाराष्ट्र सरकारने गोसेवा आयोग निर्माण करावा या मागणीकरिता गोशाळा महासंघ पत्रकारच्या माध्यमातून आपलं सर्वांना निवेदन करत आहे। कॅमेरा पर्सन अमोल के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज, नागपूर।